अब देखिए, आईएमडी के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया है कि 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक मॉडरेट से हेवी रेनफॉल का एस्टिमेट दिया गया है। तो मैं अररिया के सभी जिलावासी से अपील करना चाहूंगा कि इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बट अलर्ट रहें। अगर बारिश हेवी होगा तो जल स्तर में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कृपया आप लोग जल स्तर पर निगरानी रखिए और प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाई जा रही है। कल ही मेरे द्वारा एक आपातकालीन बैठक सीईओ एवं वीडियो के द्वारा को बुलाया गया वीसी के माध्यम से, तो सभी को निर्देश दिए गए हैं। और 9 से 12 तक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे भी लॉकडाउन हम लोग अनुपालन करा ही रहे हैं, तो अपने घरों में ही रहिए और अनावश्यक तौर पे बाहर ना निकले। पूर्व में भी जब भी बारिश होती है तो लंका के केसेस हम लोगों ने देखा है, तो मेरा यही अपील रहेगा कि बाहर ना निकले, खेत में भी अनावश्यक तौर पे ना निकले। मैं यही आप सब लोगों से अपील करूंगा से 9 से 12 जुलाई तक कृपया अलर्ट में रहे और जो जल स्तर है उसमें अलर्ट एवं वॉचफुल तरीके से आप लोग रहें। धन्यवाद। अररिया जिला में लगातार कोरोना केसेस की वृद्धि हो रही है और आज तक 157 केसेस कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और संपूर्ण जिला में 69 कंटेनमेंट जोन्स अभी संचालित हो रही हैं। ये लगातार कोरोना केसेस के वृद्धि को देखते हुए आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अररिया का बैठक आज सुबह संचालित किया गया है और सर्वसहमति से ये निर्णय लिया गया है कि 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक अररिया जिला में लॉकडाउन घोषित किया जाएगा विभिन्न शर्तों के माध्यम से। इसका आदेश आप सब लोगों को दे दिया गया है। जिला प्रशासन के ओर से संपूर्ण जिला के जो जनमानस है उनसे मेरी ये अपील रहेगी कि यथासंभव अपने घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के लिए हम लोगों ने समय निर्धारण किया हुआ है, उसी समय में कृपया बाहर निकलें और जब भी बाहर निकलेंगे तो कृपया आप मास्क धारण करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अनावश्यक तौर पे घर से बाहर कृपया ना निकलें। कड़ाई से हम लोग लॉकडाउन का अनुपालन करेंगे और जो भी व्यक्ति बाहर निकलेंगे और बिना मास्क के बाहर निकलेंगे तो ₹50 का जुर्माना का भी प्रावधान अभी किया गया है। तो मैं पुनः एक बार सभी अररिया के जनमानस से अपील करूंगा कि 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक हम लोग एक प्रण लें कि अनावश्यक तौर पे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे और ये लॉकडाउन को हम लोग सफल बनाएंगे। धन्यवाद। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।